इंडिया के बॉर्डर की मछली यहाँ पर वही आप वही ताज़ी दुकानें हैं, खजाना निकालना देख सकते हैं आप, इसकी स्किन देखें, आगे देखिए इसके उधर है, ठंडक सी महसूस हो रही है क्योंकि देख सकते हैं हम लोग। और यहाँ और ये क्या हिसाब है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज हम मौजूद हैं गुलबर्ग टाउन में, और गुलबर्ग टाउन के साथ ही मुंसलिक ये बस हमने, ये गुलबर्ग का बॉर्डर है और उस तरफ आप देख सकते हैं कि भाई मीना बाजार हमें पड़ेगा। तो आज रुख किया है कुछ गलियों का, सोचा कि आपको साथ ही साथ यहाँ की फिश मार्केट यानी मूसा कॉलोनी का बंगाली पाड़ा, बंगाली पाड़े की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि आज बंगाली पाड़े में क्या सूरत हाल है, मछलियों की कीमतें क्या चल रही हैं, कौन सी मछली मौजूद है और कौन सी नहीं है, क्योंकि अब मौसम भी आने लगा ही है और जब मौसम आ जाएगा तो जाहिर सी बात है मछलियों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी से ही तैयारी कर लें, महंगी मछली ख़रीदने की आदत डाल लें। तो मुड़ने लगे हैं भाई, और ये आप ये रोड देख रहे हैं ना, ये आ रही है मीना बाज़ार से, यानी मीना बाज़ार करीमाबाद। अब हमने सफ़र को अपने वापस लिया क्योंकि एक आपको रोड क्रॉस करने के लिए थोड़े से यू टर्न का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और साथ ही साथ इस एरिया की भी चीज़ आपको दिखाता चलूँ, गलियाँ दिखाता चलूँ। फिलहाल तो अभी हम मेन रोड पर मौजूद हैं और यहाँ पर वही आम रूटीन और वैसे ही इंक्रोचमेंट और वैसे ही सब कुछ, दुकानें आधी से ज़्यादा बाहर। और जब स्कूलों की छुट्टी होती है तो यहाँ पर बड़े मशहूर स्कूल भी मौजूद हैं, बड़े बड़े नाम हैं, किसी का नाम नहीं लूँगा। तो उसके बाद यहाँ पे इस रोड का जो बर्डन है वो बहुत डबल हो जाता है, और एहतियात करें, ये रोड चलने के हिसाब से बहुत ख़तरनाक है क्योंकि सामने ही ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल, और फिर स्कूल का जब यहाँ पर एक रश पड़ता है तो आपको पता ही है फिर ट्रैफिक इधर से उधर होने लगता है। तो आज अगर मौसम की बात करें तो मौसम में हवाएं जो हैं मामूल से ज़्यादा हैं और ठंडी कुछ हवाएं चल रही हैं। और जी मेन सड़क पे ही बर्गर के ठेले सब चीज़ें ही मौजूद हैं। तो लीजिए इस वक्त गली में मौजूद हैं और यहाँ पर जो है काफ़ी सारे दुकानें हैं, वेल्डिंग की हैं, बाल काटने की हैं, हेयर ड्रेसर्स की, और नाई मौजूद हैं, स्टेट एजेंसियाँ। और इस वक्त जो है यहाँ की जो एक मूसा कॉलोनी की जो मार्केट है, फिश मार्केट, तो बंगाली पाड़े के नाम से भी जाना जाता है, आज उसका भी एक क्लिप ले ही लेंगे। ओए होए ये पानी का निज़ाम कब सही होगा। गली से लेते हैं क्योंकि धूप बहुत ज्यादा हो चुकी है। और सब तरफ ही पानी आपको खरीदना पड़ रहा है इस वक्त कराची के अंदर, जो है पानी आपको खरीद के पीना पड़ रहा है, चाहे आप पीने का पानी ले लें या इस्तेमाल कर ले लें। और बस सेंटर ही होने लगे हैं मार्केट की तरफ। और यहाँ कुछ मुझे ठंडक सी महसूस हो रही है क्योंकि चारों तरफ से जो है
बिल्डिंग है थोड़ी कंजेस्टेड है, पतली गलियां और फिर साया बन जाता है, और साया बनने के बाद जो ना थोड़ा सुकून मिल रहा है। और ये क्या है? तो भाई ये है सूखी हुई फिश है, फिश है, वो झींगा है और कुछ और सी फूड है सूखा हुआ। तो काफ़ी मुनफरिद मार्केट है ये, और मुनफरिद होने के साथ साथ फिश के बारे में भाई यहाँ पर बहुत मानी जाती है ये मार्केट। और दोनों ही तरफ मैं देख रहा हूँ कि बस अभी यहाँ पर ना आवाज़ों के मुकाबले शुरू हो जाते हैं। और ट्रैफिक थोड़ा जाम होने लगा। और यहाँ पर कुछ पानी जमा होने के बाइस पाँव को रखना थोड़ा मुश्किल। ₹200 किलो की आवाज़ें आ रही हैं। तो चलिए फिर मालूम भी करते हैं, देखते भी हैं कि किस मछली का क्या हिसाब चल रहा है। तो चलिए अब उधर के सफ़र करते हैं और मालूम करते हैं कि भाई मछलियों के रेट यहाँ पर क्या चल रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वक्त आप खड़े हैं मूसा कॉलोनी फिश मार्केट में फेटल की एरिया। तो भाई मछली से पहले जो है बड़े का गोश्त देख लेते हैं। भैया क्या हिसाब चल रहा है, कौन सा है, बछिया क्या है? ये बछिया का है। बछिया का है भाई, प्योर बछिया आप देख सक रहे हैं भाई। और क्या हिसाब है? हड्डी वाला 1200 रुपये। हड्डी वाला 1200 रुपये, बकरेटी का 1500 रुपये। 1500 रुपये। अच्छा, एक पाव में और आधा किलो में कितनी हड्डी डालने पड़ती है, क्या है तो हिसाब किताब होता है ना? एक किलो में आती है एक पाव, आधा किलो में आधा पाव आती है। एक किलो में आती है एक पाव, आधा किलो में आधा पाव, आधा किलो में आधा पाव। तो दोस्तों इस वक्त हम बिल्कुल मौजूद हैं इस मार्केट को, क्या कहते हैं भाई? मछली मार्केट, मूसा कॉलोनी। मूसा कॉलोनी मछली मार्केट। तो आपको जैसा मैंने पहले बताया कि हम वॉकिंग टूर करेंगे मूसा कॉलोनी की मछली मार्केट का, और आप देख सकते हैं कि सभी तरफ यहाँ पर मछली मिल रही है। और जाहिर सी बात है कि जो आप हमने पहले छोटा बांग्लादेश से जो की थी वीडियो, उसके बाद काफ़ी पसंद किया गया और कहा कि भाई दोबारा एक मूसा कॉलोनी का चक्कर लगाया जाए। तो सोचा कि आज मूसा कॉलोनी भी विज़िट कर ले। भाई क्या हिसाब है? ये 400 रुपये किलो। और नस्ल का कौन सा है? नस्ल का कौन सा है? जेरा हर का जेरा भाई, जेरा झींगा। तो जेरा मिलना है भाई 400 रुपये किलो। और ये वाला? ये वाला भाई जल्दी कल्ली झींगा, ये 8 रुपये किलो वाला कल्ली झींगा। हाँ कल्ली झींगा, कल्ली झींगा सिल्के होते मोटे। अच्छा मोटे होते हैं। हाँ ये 800 रुपये किलो भाई। और वो दूसरा वाला कौन सा है? ये वाला भी जेरा है, ये वाला 750 रुपये किलो भाई। तो दोस्तों ये लास्ट वाला जो है ये भी जेरा है और ये 700 रुपये। हाँ ये 700 रुपये किलो, ये 700 रुपये हो गया भाई। और आपने देखे भाई झींगे के रेट जान रहे हैं आप लोग। और अब आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। अच्छा साथ के साथ ना यहाँ पर आगे बड़ी थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है, जाहिर सी बात है मछली मार्केट जो होती है। ये कौन सा झींगा है भाई? ये छोटे वाले झींगे। छोटे वाले मतलब नाम नहीं है? पटास। पटास, पटास। और ये क्या किलो है? 600 रुपये। ये 600 रुपये। और ये कौन सा है? ये वाली गडानी है। गडानी। और ये क्या है? 700 रुपये। ये 700 रुपये। और ये वाला? ये वाली अभी चल रही है रेट कम है इसके, 900 रुपये। 900 रुपये चल रहा है। और ये वाला कौन सा भाई जो सामने रखा है? 1000 रुपये। 1000 रुपये। तो मुस्कुरा रहे हो, खैरियत? तो भाई बहुत हंसमुख बच्चा है ये और मुस्कुरा रहा है। और ये वाला क्या हिसाब है? 1000 रुपये। तो भाई हम कहाँ पर मौजूद है, ज़रा हमें थोड़ा सा एड्रेस बताइए। अस्सलाम वालेकुम, आप खड़े हैं मूसा कॉलोनी फिश मार्केट में कटल भी एरिया के नाम से। कौन सी दुकान पे मौजूद है आप खड़े हैं? समंदरी रहते हैं यहाँ पे, बाइक से अमूमन आते। आप खड़े हैं समंदरी खजाने में? समंदरी खजाना। समंदरी समंदरी खजाना जी। तो देखते हैं समंदरी खजाने में क्या क्या मौजूद है, एक से एक चीज़ मिलेगी आपको। तो वाकई एक ये तो समंदरी खजाना है, और समंदरी खजाने में इस वक्त हम लोग आ चुके हैं। और लड़का जो है बिल्कुल अभी तैयारी कर रहे हैं बर्फ़ डालने की। बर्फ़ डलने वाली है ना, तो बर्फ़ भी डलते हुए देखेंगे। और ये कौन सी है, ज़रा उठा के दिखाना यार। ये लाल आंखों वाली इंडियन सैल्मन। कौन सी है ये? इंडियन सैल्मन। इंडियन सैल्मन, तुम्हें कैसे पता इंडियन है? इंडिया के बॉर्डर की मछली। ओहो, इंडिया की बॉर्डर की मछली पाकिस्तान में मिल रही है रोहित मूसा कॉलोनी में।
बॉर्डर क्रॉस करके आने वाली मछली यहाँ पर मौजूद है। तो अब लड़का मछली पे बर्फ डालने लगा है, वो भी देखते हैं। आगे कौन सी, यही वाली कौन सी है? ये ऊपर है, कौन सी ऊपर है? सर है, हिस्सा है। ये अंगूर बोलते हैं सोडिया में, अंगूर हमूर 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 अमूर की क्या हिसाब चल रही है? वो वही 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 वही। और ये क्या हिसाब चल रही है? 1500 रुपये। और ये कौन सी है? ये डांगरी है। डांगरी, डांगरी क्या हिसाब चल रही है? डांगरी 2000 रुपये की। 2000 रुपये किलो डांगरी। अच्छा, इसकी ताज़ी की और बासी की क्या निशानी है, मेरा सब बता दो यार। ताज़ी की निशानी आँखों, आँखों की, जिसकी आँखें सही होंगी मतलब आँखें फ्रेश होंगी। अरे गलपड़ा खोलेंगे, ये लवाब होगी। ओ ये लवाब अगर दिख रहा होगा तो ताज़ी है, ताज़ी है। और ये कौन सी है? ये मुश्का है, गोली मुश्का। गोली मुश्का, ज़रा हाथों ढक होगा भाई हमारे तो। गोली मुश्का भाई, इसका क्या पेट साफ हुआ भाई? हाँ, ये ख़जाना निकाल लेते हैं इसके अंदर। अच्छा, तो क्या करते हैं उस खजाने का, क्या करते हैं? धागा बनता है इसका। धागा किस चीज़ का? धागा धागा बनता है। अच्छा अच्छा, जो ऑपरेशन के उसमें इस्तेमाल होते हैं वो धागे बनते हैं, टाँके बनते हैं जिसको कहते हैं। और ये कौन सी है? ये धंधिया। धंधिया, ये क्या हिसाब है भाई? धंधिया 600 रुपये किलो। ये देखिए भाई, इसकी नज़र भी तेज़ है, आँखें वाँखें सब कुछ साफ हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, गलपड़ी भी बिल्कुल आपको दिख रहे होंगे, ताज़ी है। और उसके साथ साथ कौन सी है? हीरा है। चलें जी, हीरा को नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ये मछली के नाम है हीरा। और ये भी बिल्कुल साफ़ सुथरी, इसकी आँखें वाँखें सब देख सकते हैं और गलपड़े भी साथ देख सकते हैं। और ये क्या हिसाब है? हीरा 600 रुपये किलो। 650 रुपये किलो हीरा आ गई। और ये तो इंडियन सैल्मन है। और ये भाई, ये कौन सी है? सफ़ेद कुन भी आ गई भाई। रॉकेट लॉन्चर आ गया भाई। और ये क्या हिसाब है? 1200 रुपये अभी ढोरी वाला भाई। रेट हमें ज़रा सही बताते चलना, क्योंकि हम काफ़ी दिनों से मछली पे ही काम कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि बोलेंगे यहाँ पर महंगी है। और ये कौन सी है भाई? ये तीतर पापलेट है। तीतर पापलेट है, ये समंदरी बटेर है। समंदरी तीतर है। ओए ओए, समंदरी तीतर देख सकते हैं आप भाई। इसका फिंगर बना है, पॉलिनस बन रहा है। मुँह क्या हरा क्यों हो रहा है? कलर है, कुदरती कलर है। कुदरती कलर है वो, ऐसा लग रहा है कोई कलर वलर क्या। ये क्या हिसाब है? ये 1200 रुपये के जी। ये 1200 रुपये के जी चल रहा है भाई। और दूसरी कौन सी है? इसी हमारी देसी मुर्गी। चले, देसी मुर्गी भी आ गई। ये देसी मुर्गी क्या हिसाब है? बड़ी बड़ी वाली 1000 रुपये की। बुक्कड़ आ गई बड़ी वाली 1000 रुपये किलो। और ये देख सकते हैं आप, इसकी स्किन देखें, इसकी सूरत कैसी हो गया है? सूरत पे नहीं जाए, सीरत पे जाए। सूरत पे ना जाइए दोस्तों, सीरत पे जाइए। और मैं तो कह रहा हूँ, रिश्ते करने में भी आसानी हो जाएगी। हाँ, सूरत ना देखी जाए तो। सूरत पे नहीं जाए, सीरत पे, सीरत पे जाए। और नेक्स्ट क्या है भाई, कोई और है कुछ बचा है? ये कौन सी है? मुल्ला शेरी। मुल्ला शेरी है, ये कहाँ का मुल्ला है? ये समंदरी मुल्ला। ये समंदरी मौलवी आ गया भाई। मुल्ला 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 क्या हिसाब है? इसको सऊदीया में शेरी कहते हैं। शेरी कहते हैं सऊदीया में। और ये क्या हिसाब है? मुल्ला ये 1000 रुपये किलो। ये 1000 रुपये किलो मिलेगी भाई। ये कौन सी है? ये बड़ी हीरा है। ये बड़ी हीरा आ गई, उसी की बहन है लेकिन बड़ी है। आगे देखिए इस पर, ये देखिए भाई, इसके आगे देखें आप। सुबह जिंदा था ये। अच्छा, चंद घंटे की पकड़ी हुई मछली ऐसे भी। चंद घंटे की पकड़ी हुई मछली भाई, चंद घंटे की पकड़ी हुई मछली। और ये कहाँ से लाए आप पकड़ के? पानी से। मतलब कि आप इधर से लेते हैं, बैंगेरी से मछली लेते हैं, फिशरी से? बैंगेरी से भी आती है, फिशरी से भी, बैंगेरी से भी आती है, फिशरी से भी आती है। माल रोज़ आता है, माल रोज़ आता है, जाना पड़ता है। आप खुद लेके आते हैं? भाई लेकर आए। तो फिर माल यहाँ पर रोज़ाना मिलेगा आपको, ताज़ा ताज़ा, कोई ऐसा नहीं है रखा हुआ। और भाई ये कौन सी है? तोतर है। तोतर है, दोतर के भी गलपड़े दिखा दो, फिर रात क्या आती। ये देखिए जी, और टाइटल भी मिल चुका है हमें साथ ही साथ, चंद घंटे की पकड़ी हुई मछली। ये गलपा, ये क्या हिसाब थी जो अभी दिखाई थी? ये 800 रुपये। ये 800 रुपये थी। और ये भैया क्या हिसाब? ये गलपा थे। और ये क्या हिसाब है?
ये 800 रुपये। ओए ओए जबरदस्त वाइट मीट। और वो पापलेट 1500 रुपये किलो। 1500 रुपये किलो। ये सरमई किंग फिश। पिंक कहाँ से? ये तो ब्लैक है। किंग फिश हाँ आज लग रहा है मुझे नजरे से ना कान खराब हो गए। किंग फिश है दोस्तों और किंग देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर छोटा किंग मौजूद है। और ये क्या हिसाब है? किंग फिश 1000 रुपये किलो। 1000 रुपये किलो चल रही है भाई। 1000 रुपये का बाटा रेट चल रहा है क्या? 1000 2000 1000 2000। अच्छा इस वक्त अगर हम फिशरी से मछली लेने जाएं तो क्या हमें कितना फ़र्क मिल जाएगा? एक 50-60 रुपये का फ़र्क है। 50-60 रुपये के मतलब यहाँ पे आपको चीज़ अच्छी मिल जाएगी, वो आपको अच्छी नहीं मिलेगी। क्यों, क्या वजह है? किस तरह से तो हम लोग जो है चेक करके चीज़ें लाते हैं, मगर आप लोग चेक नहीं कर सकते इसमें। अच्छा अच्छा। और आप लोग ऐसे भर के दे देगा, परेशानी है। लोग खरीदो फिर इसको बनवाओ अलग, फिर थैली अलग। मतलब कह सकते हैं दुकानदारी बनाने के लिए यहाँ पर अलग है, हर चीज़ को अच्छी देना पड़ेगा। दुकानदारी बनानी है, कटिंग भी बिल्कुल साफ़ सुथरा करके आपको बना के देंगे, आपको परेशानी नहीं होगी। घर के अंदर वहाँ से आप लेंगे आपको परेशानी भी होगी और मच्छी अच्छी भी नहीं मिलेगी आपको, सारी पुरानी मच्छी आपको भर के दे देंगे। और साथ में ये कौन सी है भाई? आखिरी आखिरी बताते चलें, ये कौन सी है? ये सारा में सारे मछली भाई। इसको कोई भी फिश कहते हैं। ये क्या हिसाब है? सारा 500 रुपये के जी। 500 रुपये के जी मिल रही है भाई, एकदम फ्रेश हो। ये तो बड़े का कुछ इससे ज़्यादा महंगा है, चिकन का भी ज़्यादा महंगा है। चिकन से अच्छी है। और ये कितने किलो का दाना होगा? ये तकरीबन 3 किलो का पीस है। 1500 रुपये की मछली होगी भाई है। एक एक चिकन से बहुत अच्छी है, चिकन से बेहतर तो फिश आई है, तो फ़ायदेमंद है ना। वहीं सी बात है, अब तो मौसम भी बस इन्हीं का आने वाला है। और ये क्या हिसाब है? ये कनेक्शा हीरा। ओए ओए ज़बरदस्त। इसकी गड़बड़े नहीं है क्या भाई? ऐसा लग रहा था कि नहीं है गड़बड़े, सब क्यों होंगे? एक आती ना बगैर उसकी भी आती है, बाल गड़बड़े की नहीं आता। और आखिरी दोस्तों बस ख़त्म ही होने वाली है, इतनी सारी मछली देख ली हमने। ये रोहू है, पतला रोहू है, मीठे पानी में, मीठे पानी की है जी। और ये क्या हिसाब है? 600 रुपये किलो। 600 रुपये किलो, वाह भाई वाह। 600 रुपये किलो में भी मछली आ रही है। और इधर बर्फ़ डलना शुरू हो गई है। अरे वाह बर्फ़, ठंडा ठंडा कूल। नंबर भी देते चले। अच्छा हमारा दुकान का नाम है समंदरी खजाना, सीधे हाथ में मार्केट सेंटर होंगे तो सीधे हाथ में बड़ी दुकान है, सामने फ्रेम लगी हुई होगी अल्लाह के नाम पर। दुकान का नंबर है 0334-334-8699। ऑनलाइन डिलीवरी भी हमारा। अच्छा, ऑनलाइन डिलीवरी। इसमें आप व्हाट्सअप नंबर भी है, इसमें वॉइस करके छोड़ दें, एक दिन की मछली आपको मिल जाएगी। कोई चार्जेस होंगे? चार्जेस वगैरह कुछ भी नहीं, ऑनलाइन फ्री है। हाँ कम से कम रेट मुनासिब ना होगा। चले जी, कराची में ऑनलाइन डिलीवरी हमारा जाता है। अच्छा, कार्टन में बोलेंगे पैक करने, कार्टन में भी पैक हो जाएगा। हर चीज़ की सहूलत है और अच्छी से अच्छी A1+ क्वालिटी की मछली मिलेगी आपको। हाँ चले, बहुत शुक्रिया। ठीक तो दोस्तों आप लोगों ने जाना कि ऑनलाइन की सहूलत भी मौजूद है। इरादा है पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह पूरे मछली बचाना। हाँ इंशाल्लाह, अभी तो कराची का सोच है, उसका पूरा कर लें इंशाल्लाह, फिर आगे का भी सोचेंगे। चले जी इंशाल्लाह। तो दोस्तों आप लोगों ने जाना कि यहाँ पर मछली ऑनलाइन भी भिजवा सकते हैं आपको, और उसके कोई चार्जेस भी नहीं है ऑल कराची के। तो ऑल पाकिस्तान तो इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नई जगह के साथ। इस वक्त समंदरी खजाने से सिर्फ इतना ही, और इसके अलावा किसी और मार्केट में विज़िट करेंगे तो आपको ज़रूर ले चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सामने भी आप देखिए।